12 सितंबर को होने वाले एप्पल इवेंट पर पूरी दुनिया के एप्पल लवर्स की निगाहें टिकी हुई हैं। हर किसी को इस बात का इंतजार है कि एप्पल इस बार क्या क्या नया लेकर आता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं, तो हम आपको अब तक सामने आए लीक्स के आधार पर हर बड़ी बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन्स की। तो आईफोन से जुड़ी एक बात शायद आपको निराश कर सकती है, वो ये कि आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स की कीमतें पहले के प्रो मॉडल्स की कीमतों के मुकाबले ज्यादा हो सकती हैं। हालांकि आपको ज्यादा कीमत के बदले बहुत बड़ी खासियत भी देखने को मिल सकती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले एक बड़ी बात ये जान लीजिए कि आईफोन 15 सीरीज में इस बार लाइटनिंग पोर्ट की जगह USB-C पोर्ट देखने को मिल सकता है। बात आईफोन 15 के बेसिक मॉडल्स की करें तो उनमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। यानी डिस्प्ले साइज पहले की तरह ही दो रह सकते हैं, लेकिन 14 प्रो वाला डायनेमिक आइलैंड इस बार आईफोन 15 के बेसिक मॉडल्स में दिख सकता है। आईफोन 15 के बेसिक मॉडल्स में A16 चिप भी मिल सकती है। आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा भी देखने को मिल सकता है। जहां तक बात है कीमतों की, तो हो सकता है कि बेसिक मॉडल्स की कीमतों में पहले के मुकाबले कोई बदलाव ना आए। नए आईफोन्स में आपको म्यूट स्विच की जगह एक्शन बटन देखने को मिल सकता है, ये कुछ इस तरह के एक्शन में काम आ सकता है। कुछ लीक्स में कहा गया है कि हो सकता है कि एक्शन बटन प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिले। अब प्रो मॉडल्स की बात करें तो बहुत से लीक्स में कहा गया है कि स्टेनलेस स्टील से टाइटेनियम चेसिस अपडेट की वजह से इनकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रो मैक्स मॉडल में पेरिस्कोप लेंस की वजह से भी कीमतें नई ऊंचाई छू सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ये अपडेट्स हुए तो यूजर्स को क्या फायदा होगा। चलिए ये भी बता देते हैं, अगर टाइटेनियम चेसिस देखने को मिला तो ये स्टेनलेस स्टील चेसिस से हल्का और मजबूत साबित हो सकता है। वहीं पेरिस्कोप लेंस 6x तक ऑप्टिकल जूम दे सकता है। आसान भाषा में समझें तो इससे आपको जूम करने के बाद चीजें ज्यादा साफ दिख सकती हैं। आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि प्रो मॉडल्स की बैटरी लाइफ पहले से बेहतर मिले। इसके अलावा नए आईफोन्स में वायरलेस चार्जिंग भी तेज मिल सकती है। अब बात करते हैं एप्पल वॉच की। तो एप्पल वॉच सीरीज 9 के साथ साथ सेकेंड जनरेशन एप्पल वॉच अल्ट्रा को भी लॉन्च कर सकता है। लीक्स के मुताबिक एप्पल वॉच सीरीज 9 नए पिंक कलर में भी आ सकती है, जबकि एप्पल वॉच अल्ट्रा में नया ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिल सकता है।
आपको ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट S9 चिप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एप्पल बेहतर लोकेशन एक्यूरेसी के लिए U2 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप भी ला सकता है। आपको वॉच के नए और खास बैंड भी देखने को मिल सकते हैं। बात एयरपॉड्स की करें तो एप्पल एयरपॉड्स को भी USB-C सपोर्ट के साथ पेश कर सकता है।